नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं कुछ अखबार की ऐसी खबर आपको बताने वाला हूं जिस खबर को आप सुनकर के देख करके चौंकित होने वाले हो, क्योंकि यह खबर ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस के रिलेटेड है। चलिए सबसे फर्स्ट नंबर की जो खबर है उसको देख लेते हैं। डाक विभाग में भर्ती होने के बाद सामने आई हकीकत। क्या हकीकत सामने आई है? टॉपर नहीं पढ़ पा रहे चिट्ठियों पर लिखे पते, बन गए ग्रामीण डाक सेवक। आपको बता दूं, अभी हाल ही में जीडीएस की भर्ती आई हुई है 2024 में 44,228 पदों पर। इसका आपने कट ऑफ देखा है साथियों, इसका कट ऑफ जाता है 100%। पिछले 2-3 साल से मैं देख रहा हूं कट ऑफ 100% जाता है। ये 100% वाले जो बच्चे हैं साथियों, पूरे तो हो नहीं सकते, लेकिन कुछ बच्चे यहां पर पूर्ण रूप से फर्जी है। फर्जी है वो बात अब सामने आपके है। आप देख सकते हो कि ये नौकरी लग गए फर्जी, अपनी मार्कशीट में 100% बढ़वा करके। अब इनसे चिट्ठियां तक पढ़ी नहीं जा रही साथियों। चलिए पूरी खबर पढ़ लेते हैं। ये राजस्थान की खबर है और मैं बता देता हूं, चाहे राजस्थान हो चाहे कोई भी स्टेट हो, यही हाल है। और भी इसके बाद बहुत सारी खबर है, आप देखते चलिए। डाक विभाग में पिछले दिनों मेरिट के आधार पर ग्रामीण डाक सेवक की सीधी भर्ती हुई। आप सबको पता है कि इसमें कोई परीक्षा नहीं होती, जीडीएस डायरेक्ट मेरिट बेस पर होता है, जिसमें ऐसे अभ्यर्थियों का चयन हो गया जो चिट्ठियों पर लिखे पते भी नहीं पढ़ पा रहे। ऐसे अधिकांश अभ्यर्थी पंजाब हरियाणा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के टॉपर है। अब बताइए भाई, ये जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के टॉपर है, 99 से 100% जिनके परसेंटेज है, ये हरियाणा पंजाब के है। इनका क्या है साथियों, आपको शॉर्ट में बता दूं, फिर विस्तृत में बताऊंगा। कोरोना काल में बिना एग्जाम्स दिए डायरेक्ट इनको प्रमोट कर दिया 10th से 11th क्लास में, यानी कि कक्षा 10 में इनको बिना एग्जाम्स के पास कर दिया और 11वीं में डायरेक्ट कर दिया, और इनकी परसेंटेज 99 से 100% बना दी। ये सबसे बड़ी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, मैं समझता हूं, घटिया किस्म का काम किया है। ये गरीब बच्चों का गला काटा है इस तरीके से उस बोर्ड ने, उस स्कूल वालों ने, जो बिना परीक्षा 10वीं में। आपको पता है 10वीं एक बोर्ड लेवल एग्जाम है, 10वीं के बेस पर ही सब कुछ चलता है। तो इस तरीके से इन्होंने 99 से 100% बना दी। वास्तव में दोस्तों, आपको कहीं ना कहीं इस वीडियो को शेयर करना चाहिए, और ये मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा कि इस तरीके से बच्चों के साथ इन्होंने किया है। वही बच्चे हैं ये, आपको बता दूं 99 से 100% प्रतिशत अंक के आधार पर चयन हुआ। अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों इनके आसपास भी नंबर नहीं ला पाए। भाई इनके आसपास कहां से आएंगे? बच्चे की तो 80% है, मेहनत से बनाया है 90% है, कहां से नंबर आएगा? 95 है, कहां से नंबर आएगा? इन्होंने तो 100% बना रखा है ना साथियों। सभी ने देश के विभिन्न राज्यों में डाक महकमे में नौकरी भी ज्वाइनिंग कर ली। अकेले राजस्थान में इनकी संख्या 150 से ज्यादा बताई जा रही है। ये क्या है, हरियाणा पंजाब से आकर के राजस्थान में फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं। बेचारे राजस्थान के जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उनकी सीटें और छीन रहे हैं। इसीलिए कहता हूं आप मेरे साथ जुड़े रहे, अभी बहुत कुछ सच्चाई सामने आ रही है साथियों। आपको बता दूं 150 ऐसे बच्चे हैं जो आए महकमे में भर्ती में, जब डाक छटनी वितरण का नंबर आया तो अधिकांश को पढ़ना लिखना भी नहीं आया, अधिकांश क्षेत्रीय भाषा के जानकार भी नहीं निकले। अब बताओ भाई, हरियाणा और इधर पंजाब में तो लोकल लैंग्वेज का थोड़ा इश्यू है ना, तो यहाँ राजस्थान की तो भाषा ही अलग है, तो वो भाषा ही नहीं जानते। उदयपुर में चयनित हरियाणा का एक डाक सेवक तो फलासिया क्षेत्र में डाक को सुनसान जगह छोड़कर भाग निकला। बताओ आप, ये नौकरी कर रहे हैं, जांच होते ही वह यहां से गायब हो गया। ऐसे कई मामले में राज्य में अलग अलग जगह से सामने आ रहे हैं। ये भाग रहे हैं, चिट्ठियां नहीं दे रहे, ये डाक विभाग को बर्बाद कर देंगे इस तरीके से। इस संबंध में चयनित अभ्यर्थियों को विश्वास में लेकर जानकारी ली तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। क्या तथ्य सामने आए? अब तक जिला स्तर पर होने वाली इस भर्ती में स्थानीय युवा काफी पिछड़ गए, सच है बिल्कुल, और उनमें से एक का भी चयन नहीं हुआ, बिल्कुल राइट है। राजस्थान के ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस संघर्ष समिति ने इस संबंध में संचार मंत्री, मुख्यमंत्री, संचार मंत्री अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया है, मुख्यमंत्री राजस्थान का भजनलाल शर्मा जी है, तो मुख्यमंत्री को जांच के लिए पत्र लिखा है। वैसे संघर्ष समिति के संयोजक अनिल रामावत ने बताया कि कोविड काल में 10वीं के एग्जाम्स नहीं हुए, ये बात मैं भी अभी कह रहा था, उस समय हरियाणा के स्कूलों ने कहीं अभ्यर्थियों के 100% अंक बोर्ड को भेज दिए और मेरिट के आधार पर उनका चयन हो गया। विभाग में ऐसे कहीं अभ्यर्थी आ गए जिन्हें पढ़ना लिखना भी नहीं आता साथियों। अब आप देख सकते हो, पहले इस आधार पर होती थी भर्ती, ग्रामीण डाक सेवक भर्ती में कार्मिक उसी गांव व क्षेत्र का होना चाहिए, ठीक है, स्थानीय भाषा का जानकार हो, सरपंच या पंचायत उस क्षेत्र का होने की तस्दीक करे। साथियों पहले ये होता था, लेकिन आजकल क्या है, ऑल इंडिया, ओवरऑल
किसी भी स्टेट का बच्चा किसी भी स्टेट में जाकर के फॉर्म अप्लाई कर सकता है। तो ये एक तरीके से हुआ तो अच्छा ही है, लेकिन बच्चों ने इस चीज का पूरा फायदा उठा लिया है साथियों। और आप देख सकते हो यहाँ पर चौकंदित वाले तथ्य क्या है कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की फर्जी मार्कशीट बनाने वाले हरियाणा पंजाब में गिरोह सक्रिय, देख लीजिए आप। कोरोना काल में हुआ पूरा खेल, पूर्ण मूल्यांकन के नाम पर कईयों के नाम बड़े, देख सकते हो आप। हरियाणा पंजाब में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में अच्छे नंबर के बावजूद किसी ने आगे प्रवेश नहीं लिया, देख सकते हो। अधिकांश ने पढ़ाई छोड़ने का कारण आर्थिक तंगी बताया, ये हाल है साथियों। चलिए नेक्स्ट खबर भी देखते हैं। नेक्स्ट ये खबर भी एक चौकंदित करने वाली है साथियों कि सासाराम के एक डाक अधीक्षक को 3.47 यानी कि 3,47,000 रुपए के साथ सीबीआई ने दबोचा। अब देखिए, मतलब नौकरी लग गई है तभी भी इनका पेट नहीं भर रहा, तभी भी ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इतने पैसे ले लिए इन्होंने। देख लिए, ये डाक अधीक्षक है। सीबीआई पटना यूनिट की विशेष टीम ने सासाराम के डाक अधीक्षक राजीव रंजन को 3,47,000 रुपए के साथ आरा रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया। शनिवार की शाम को उन्हें पैसे भरे बैग के साथ पकड़ा गया। केंद्रीय जांच एजेंसी यानी कि सीबीआई को उनके खिलाफ शिकायत मिली थी कि सासाराम में डाक अधीक्षक के पद पर रहते हुए उन्होंने पैसे लेकर अवैध तरीके से कई डाकघरों में ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की बहाली। अब देखो, एक तो साले मैं कहता हूं ना, बच्चे जो फर्जी है 100% बना लिया। बताओ, अभी मैंने पिछली खबर बताई ना आपको, एक तो ये नौकरी ले रहे हैं और दूसरा जिन्होंने कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ा किया है, उन्होंने क्या है, डाक विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर किया है, जो ये खबर भी कह रही है। आपको बता दूं, डाक ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की बहाली कर दी थी। इनके अधीन इस क्षेत्र के करीब 20 डाकघर आते हैं। बताओ आप, 20 डाकघरों में इन्होंने गड़बड़ की। इन सभी डाकघरों में वे अवैध तरीके से जीडीएस की बहाली करवाने का रैकेट चला रहे थे। जांच के बाद जब उनके खिलाफ लगा पूरा आरोप सही पाया गया, अब जांच एजेंसी ने उनके खिलाफ यह है कार्रवाई की है। अब तक की यह बात सामने आई है। अवैध से बहाली का कारोबार चलाने वाले डाक अधीक्षक प्रत्येक सप्ताह के अंत में यानी शुक्रवार या शनिवार को सासाराम से अपनी गाड़ी से पैसे लेकर आरा तक आते थे, फिर यहां से ट्रेन पकड़कर वे पटना तक जाते थे। और ये पूरी खबर है। मेरा कहने का मतलब ये है दोस्तों, ये जो डाक अधीक्षक है ना, ये वाला, ये क्या है, जीडीएस की नौकरी के नाम पर पैसा लेता था, ठीक है। अब बताओ आप, ये क्या नौकरी करेंगे जो पैसे देकर नौकरी लग रहे हैं, जो फ्री फंड का 100% बिना एग्जाम्स दिए 10th में बना लिया, ये क्या नौकरी करेंगे, अभी पढ़ा ना। नेक्स्ट खबर दोस्तों, ये भी एक आपके काम की है और मैं कहता हूं इसको भी थोड़ा शेयर कर देना। रोहतास डाक अधीक्षक रिश्वत के 4,00,000 के साथ गिरफ्तार। बताओ आप, रोहतास डाक प्रमंडल के अधीक्षक राजीव रंजन को रिश्वत के 4,00,000 रुपए के साथ सीबीआई ने भोजपुर जिले के आरा के पास शुक्रवार शाम गिरफ्तार किया। ये वही खबर है, ठीक है, अभी बताई ना मैंने, ये वही खबर है। इसमें भी ये इस तरीके से मामला इन्होंने किया है। ये देखिए साथियों, ये टोपीदार है ना, टोपीदार, इसने गड़बड़ी की है, ठीक है। इसका वीडियो भी है मेरे पास, लेकिन अभी वीडियो में आप कहोगे ना तो वीडियो भी डाल दूंगा चैनल पर, ठीक है। घुस के 5,000 नहीं देने पर यूपी में डाकिया ने फाड़ा शख्स के पासपोर्ट का पेज। बताओ आप, 500 रुपए मांगे थे और नहीं देने पर वो पासपोर्ट का पेज ही फाड़ दिया डाकिया ने। ये है डाकिया, ये वही डाकिया है साथियों जो 100% फर्जी तरीके से बनाकर जीडीएस की नौकरी लगे है। ये वही डाकिया है साथियों जो 100% कोरोना काल में इन्होंने लिए है। अब ये जोर आ रहा है इनको काम करते हुए, ये पढ़े लिखे तो है नहीं, पढ़े लिखे होते तो इस तरीके से करते क्या। उत्तर प्रदेश के लखनऊ का एक वीडियो सामने आया है जिसमें घुस के 500 रुपए नहीं देने पर एक शख्स के पासपोर्ट का मेन पेज फाड़ने को लेकर कुछ लोग एक डाकिया से झगड़ते नजर आ रहे। स्थानीय लोगों ने वीडियो में आरोप लगाया कि डाकिया हर डाक देने के बदले लोगों से 100 रुपए वसूलता है। ये देख, मतलब डाक देने भी जाता है ना तो ये 100 रुपए वसूलता है। ये हाल है साथियों।